नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त आरजे प्रदीप। और आज बात करेंगे कि सरस्वती पूजा किस तरह से पूरे देश में मनाया जाता है, और साथ ही साथ कुछ लोगों के लिए हम 10 लाइनें निबंध के बारे में भी हम आपको बताएंगे कि अगर आपके पास स्कूल या कॉलेजेस में आपको सरस्वती पूजा के बारे में 10 लाइन लिखने के लिए कहा जाएगा तो आप कैसे लिख सकते हैं। चलिए तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। सरस्वती पूजा हिंदुओं का प्रमुख त्यौहार है और इस त्यौहार पर माँ सरस्वती की पूजा की जाती है। आप सभी जानते हैं देवी सरस्वती को ज्ञान की देवी कहते हैं। सरस्वती जी की पूजा हर साल बसंत पंचमी के दिन होती है। इस दिन सभी लोग माता सरस्वती की पूजा करते हुए नजर आते हैं और उनसे बुद्धि और ज्ञान प्राप्त करने की आशीर्वाद भी प्राप्त करते हैं। और इस दिन सभी स्कूल कॉलेज में इनकी पूजा की जाती है और पीले रंग के फल भी चढ़ाए जाते हैं। आपने देखा होगा, अगर आप सरस्वती पूजा मनाते होंगे तो जरूर ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती है। सरस्वती माता की पूजा में घी के दिए जलाए जाते हैं और मंत्र का जाप किया जाता है और प्रसाद भी चढ़ाया जाता है। पूजा खत्म होने के बाद सभी लोग प्रसाद ग्रहण करते हैं और माँ का आशीर्वाद लेकर के चले जाते हैं। और ये अच्छी चीजें हैं कि साल में एक बार विद्या की देवी की पूजा किया जाता है। सरस्वती पूजा भारत के साथ साथ नेपाल और बांग्लादेश में भी बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। केवल इंडिया में ही नहीं मनाया जाता है, बल्कि दो ऐसे जगह है जहाँ उल्लास के साथ मनाया जाता है। इस दिन विष्णु और कामदेव की भी पूजा की जाती है। सरस्वती पूजा सरस्वती देवी के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। ये काफी कम लोग जानते होंगे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, ये सही जानकारी है। माता सरस्वती की सवारी मोर होती है, जो कि बहुत ही ज्यादा सुंदर दिखने में लगती है। आपने देखा होगा बनावटी के अनुसार भी। इस दिन सभी स्कूल कॉलेजों में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किए जाते हैं, जिसमें लोग नाटक और संगीत आदि प्रस्तुत करते हैं। साथ ही साथ कुछ ऑर्केस्ट्रा वगैरह भी कर देते हैं, जो कि एक नेगेटिव थिंग के साथ ये चीजें आती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस दिन विद्यार्थी इस त्यौहार को बड़े धूमधाम से साथ मनाते हैं, क्योंकि उन्हें विद्या ग्रहण करने में सरस्वती माँ का आशीर्वाद बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। सरस्वती पूजा पर निबंध लिखने के लिए कहा जा सकता है, तो चलिए हम ये भी बता देते हैं 10 लाइन आप क्या क्या लिख सकते हैं। पहला जो लाइन आप लिख सकते हैं, एक नंबर देकर के, सरस्वती पूजा हिंदुओं का प्रमुख त्यौहार है। ये पहला लाइन आप लिख सकते हैं, जिस दिन सरस्वती माँ की पूजा की जाती है। सरस्वती माँ को विद्या की देवी कहा जाता है। सरस्वती माता के पूजा हर साल बसंत पंचमी को किया जाता है। इस दिन सभी शिक्षण संस्थानों में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। सरस्वती पूजा भारत के साथ साथ बांग्लादेश और नेपाल में भी मनाया जाता है। देवी सरस्वती की सवारी मोर है। इस दिन सभी लोग मंदिरों में सरस्वती माँ की पूजा करते हुए नजर आते हैं। मंदिरों में जल सफेद और पीले रंग के फूल आदि चढ़ाए जाते हैं। ये भी आप अपने लाइन में लिख सकते हैं। सभी लोग सरस्वती माँ से आशीर्वाद मांगते हैं कि उन्हें जीवन में सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। तो इतने सारे चीज आप लिख करके निबंध को भी आप अपने पन्ने पर उतार सकते हैं। और आज का वीडियो आपके लिए काफी पसंद आया होगा। और अगर आपका जीवन छात्र वाले जीवन से गुजर रहा है, तो अपने माता की कृपा जो है वो लगातार आपके ऊपर बरसनी चाहिए। तो इस पूजा में जरूर शामिल होइए और आइए 2022 में सरस्वती पूजा को धूमधाम से मनाते हैं।